गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आज भी छुट्टी का दिन है और वक्त हो रहा है सुबह के 11 बज चुके हैं। बहुत सारा काम अभी भी बाकी है क्योंकि बाहर जाके रिकॉर्डिंग करनी है और सुबह बहुत सारा वक्त घर पे गुजार लिया। अब मन कर रहा है बाहर जाने का और बाहर की खूबसूरती आपको दिखाने का, क्योंकि नोएडा में इतनी ज़्यादा जगह है घूमने की और इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं देखने के लिए, तो आप उसे क्यों मिस करें। तो आज मैंने प्लान बनाया है कि आज मैं बाहर जाऊंगी और बाहर का शूट करूंगी, क्योंकि घर का तो हमेशा ही हम रिकॉर्ड करते हैं और ऑफिस का भी हम रिकॉर्ड करके आपको दिखा चुके हैं। तो अब मेरा मन है कि बाहर जाऊं और बाहर रिकॉर्ड करूं और क्या क्या चीज़ें हमें आज बाहर देखने को मिलेगी। लेकिन एक ये भी प्रॉब्लम है कि मैं अकेली हूँ और मैं बाहर जा रही हूँ, तो शूट रिकॉर्ड करना पॉसिबल भी हो पाएगा या नहीं, तो जैसा भी होगा। तो फिलहाल हम टाइम वेस्ट ना करते हुए बाहर चलते हैं और देखते हैं आज हमें बाहर क्या क्या मिलेगा। चलो, तो मास्क ले लिया है मैंने, साथ में पानी की बॉटल, बहुत ज़रूरी है जब आप बाहर जाते हैं तो अपनी बॉटल लेके चलो तो ज़्यादा अच्छा है। और साथ ही कुछ मिसिंग लग रहा है, एक बिंदी लगा लेती हूँ ब्लैक कलर की। तेल लगी मैच कर रही हूँ, ठीक है चलो, इतना क्या सोचना। यार वेट करते करते 15 मिनट हो गए, लेकिन तो मुझे कोई नज़र नहीं आया स्कूटी की गाड़ी के लिए। ऐसे तो मैं लेट हो जाऊँगी, गली में कोई भी नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पर कोई भी नहीं है, किसे बोलूँ कोई नज़र आए। स्कूटी निकाल दीजिए ना, बहुत ज़्यादा ऊँची है, यहाँ से निकालना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। शुरू में देखती हूँ, बहुत कर लिया किसी का वेट, कोई नहीं आ रहा, अब मैं ही निकाल रही हूँ स्कूटी, देखते हैं बस गिर ना जाऊँगी। मैं शूज़ भी पहन के नहीं आई, डर लग रहा है, निकाल के देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं नोएडा के आपको गांव में घुमाने वाली हूँ, नोएडा में पहुँच चुकी हूँ और यहाँ पर स्टार्टिंग में जब आप नोएडा बॉर्डर में एंट्री लेने से पहले यहाँ पे चिल्ला गांव एक पड़ता है और यहाँ पर उस गांव में मैं आपको लेकर आई हूँ। यहाँ पर अभी भी आपको पुराना वाला कल्चर यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर गाय और भैंस, आपको जहाँ पे पहले लोग गाय भैंस घर में पालते थे और अब धीरे धीरे जब लोग शहरों में शिफ्ट हो गए हैं तो ये कल्चर पूरी तरह से ख़त्म हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी लोग इस चीज़ों से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे आप देखोगे बहुत ही खूबसूरत जगह है ये, आप ये लोकेशन आप देखोगे बिल्कुल नोएडा में जब आप एंटर करने वाले होते हैं, उससे पहले ही आपको ये खूबसूरत आपको गाँव दिख जाएगा। यहाँ पर जितने भी लोग इन गाय भैंसों को पाल रहे हैं वो यहीं पर रहते हैं और यहाँ पर सिर्फ ये एक ही ऐसी जगह नहीं है, यहाँ पर जितने भी पीछे आपको गांव नज़र आएंगे, जितने भी पीछे आपको गांव दिखेंगे, वहाँ पर सभी लोग इसी तरह से अपने ही छोटे छोटे यहाँ पे इन्होंने घर बना रखे हैं और यहीं पर ही रहते हैं और यहीं पर गाय भैंस को पालते हैं और यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग इनका दूध लेने भी आते हैं। आप ये देखो, यहाँ पर बिल्कुल इनकी देखभाल भी की जाती है, अच्छी तरह से इन्हें खाना भी खिलाया जाता है यहाँ पर, और बहुत अच्छा लगता है ये नज़ारा देखने को। बहुत खूबसूरती हरियाली है यहाँ पर और सामने एक नहर है, वहाँ पे बच्चे भी आपको नहाते हुए दिख जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जहाँ पर लोग अपनी बिजी वाली डेली वाली लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं, वहीं पर लोग अपने लिए वक्त निकाल लेते हैं। और आप, मैं यहाँ का आपको नज़ारा दिखाऊँगी बैक कैमरा से। तो काफ़ी लेट होने के बाद फाइनली मैं पहुँची, तो और रास्ते का मैं इसलिए आपको नहीं दिखा पाई क्योंकि रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं था। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अकेली थी, अकेली ट्रैवल कर रही थी और ऐसे में स्कूटी के साथ साथ रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं था। आप यहाँ पे देखोगे बहुत ही अच्छा लगता है, आप पूरा दिन यहाँ गुजरोगे तो आपका पूरा दिन बहुत आराम से बीत जाएगा इन सब लोगों के साथ और यहाँ पर ये आपको बिल्कुल अपने गाँव की याद आ जाएगी अगर आप यहाँ आएंगे। वो उसी तरह का कल्चर, उसी तरह के लोग यहाँ पर, साधारण से लोग आपको नज़र आ जाएंगे और अपना हुक्का पीते हुए आपको नज़र आ जाएंगे। तो बहुत ही, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको आज नोएडा के गांव में घुमाने वाली हूं, तो मैं चिल्ला गांव में आपको लेके आई हुई हूं और यहां पर ये जो आप मशीन देख रहे हैं चारा काटने की मशीन है और यहीं पे इन भैंसों के लिए चारा इस मशीन से काटा जाता है। दूध यहां पे बहुत, ये प्योर दूध यहां पे आपको मिलेगा लेने की। इस भैंस का रिएक्शन देखो आप, ये चिल्ला बॉर्डर में, यहाँ पर अपने इंट्रो में क्या बताना चाहेंगे आप,
ये बहुत आराम से अपनी वीडियो बनवा रही हैं, बहुत आराम से अपनी वीडियो और अपनी फ़ोटो क्लिक करवा रही है। देखो बच्चा यहाँ पे, और ये बछड़ा है और ये भैंस। तो और अगर आपको मैं दिखाऊं बाहर का नज़ारा, तो बाहर भी आपको बच्चे नज़र आ जाएंगे नहर में नहाते हुए। बिल्कुल आपको यहाँ पे ऐसा लगेगा, आप इस तरह के नल तो आपको देखने को भी नहीं मिल रहे होंगे, भूल गए होंगे आप ये सब चीज़ें देखना। तो मेरा बस यही मकसद है आप लोगों को वो सब चीज़ें दिखाने का, वो सब कल्चर दिखाने का जो जिससे आप अलग होते जा रहे हैं या जिसको आप भूलते जा रहे हैं, उस कल्चर को दोबारा दिखाने का। ये देखो किस तरह से छोटे छोटे यहाँ इन्होंने घर बना रखे हैं, अपनी मंडियाँ डाल रखी है और यहीं पर ही लोग रहते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर हरियाली इतनी ज़्यादा है, तो यहाँ पर रहने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा स्वस्थ भी होंगे। आप बताओ कब से हैं आप यहाँ पर? आप जो पूछते जाओगे ना वही। हाँ बताओ कब से हो आप यहाँ पर? मेरे को यहाँ जो है 1.5 वर्ष हो गया। 1.5 वर्ष। बाबा जी क्या कहोगे आप, कुछ कहोगे? हाँ कुछ कहोगे आप? मैं नहीं, ये कर तो आप इनके बेटे हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं तो इनके पास में सिर्फ धोखा पीना आता हूँ। दोस्त हैं आपके? ये देखो बच्चे ये अपने तालाब में ये नहा रहे हैं, ये देखो भैंसों के साथ। बताओ इन्हें डर नहीं लगता? इन्हें बिल्कुल डर नहीं लगता, यहाँ पे नहा रहे हैं। वीडियो मैंने दिखा दी तुम्हें, यार फिश पानी से बाहर आ गई और यहाँ पे कौवे, कौवे की दावत बन गई। ये बच्चे आपको जो गंदे पानी में नहाते हुए देख रहे हैं आपको, इन्हें डर नहीं लगता ना? और इन्हें स्विमिंग कितनी ज़्यादा आती है, इतने मज़े से ये नहाने में लग रहे हैं। वैसे यहाँ पे आओ तो यार बहुत अच्छा आपको लगेगा, आपका मन भी लगेगा अच्छी तरह। तो आगे बहुत बड़ा गांव है, और चलो आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। दोपहर का वक्त हो चुका है और यहाँ पर मुझे आए हुए काफ़ी टाइम हो गया है। और यहाँ पर जैसे कि आप देखोगे तो यहाँ पर लोग बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप में मस्त रहते हैं। आप अगर एंट्री लेते हैं तो आप जैसे ही अंदर आएंगे तो आपको ये तालाब नज़र आने वाला है, जो कि खूबसूरत तो है लेकिन यहाँ पर जो पानी है वो थोड़ा गंदा है। उसके बाद भी यहाँ पर बच्चे इस पानी में नहा रहे हैं और इन्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। उसके बाद अगर मैं आपको पीछे का दिखाऊंगी तो यहाँ पर ये गांव, ये जो बसा हुआ है यहाँ पे, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये रास्ता आपको बहुत अंदर तक ले जाएगा, जहाँ पर बहुत सारे और भी बहुत सारे गाँव आपको और अलग अलग चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी। इधर आना, देखो ये देखो, ये देखो इसे कितना मज़ा आ रहा है। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या। तो मैं आगे आ गई हूँ और आगे एंड में आने के बाद मुझे ये नज़ारा दिख रहा है, ये ज़मीन, खुली सी ज़मीन दिख रही है। और यहाँ पर पीछे आपको बहुत सारे लोग खेती भी करते हुए नज़र आ जाएंगे यहाँ पे अपने ही। लेकिन आगे जाना मेरे लिए रिस्की होगा इसलिए मैं आगे नहीं जा रही हूँ, लेकिन पीछे मैं वापस जाती हूँ और ले चलती हूँ कहीं और आपको कुछ और दिखाने के लिए। तो चलो, आंधी की वजह से मुझे शूट बंद करना पड़ा, रिकॉर्डिंग कहीं पड़ी हुई, वहाँ से मुझे जल्द से जल्द वापस आना पड़ा। मैं आ गई इधर वापस और सारा शूट सब रिकॉर्डिंग खराब हो गई, तो मैं मार्केट से सामान ले आई। इतना सोच ही रही थी बाहर जाके बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड करनी है, लेकिन इतनी ज़्यादा आंधी आ गई, इतनी ज़्यादा आंधी आ गई, मेरी आँखों में इतनी ज़्यादा मिट्टी भर गई, मेरे जूते गंदे हो गए, आज का शूट मेरा अच्छा नहीं हो पाया। खैर कोई बात नहीं, हम कल दोबारा रिकॉर्ड करेंगे। करना पड़ेगा क्योंकि आज मैंने सोचा था वो नहीं हो पाया। खैर हम फिर रिकॉर्ड करने जाएंगे कल, और कल तो वैसे ऑफिस है, ऑफिस के साथ मुझे बाहर क्या देखने को मिलता है, क्या मिलता है कि मैं कल रिकॉर्ड करूँगी। लेकिन हाँ एक और आपको बात बतानी है कि कुछ भी नहीं, अच्छा चलो ठीक है, मैं बाकी का जितना भी काम है, जितना भी सारा घर फैला हुआ है उसके ऊपर निकाल लेती हूँ, उनकी सफाई कर लेती हूँ और फिर अपना रूटीन कल के लिए खाना बनाना स्टार्ट कर लेती हूँ। तो फिर मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए देखते रहिए सावधान इंडिया। नहीं, तब तक के लिए आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर तो ज़रूर करिए, और किसी की
शुरुआत है उसको प्लीज़ अपना सहयोग दीजिए, और फिर मुलाकात होगी आपसे हमारे नेक्स्ट एपिसोड क्लाइंट पेट्रोल सतर्क।